दोस्तों, मैं बलराम प्रसाद गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल हेलो सर। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 11वीं केमिस्ट्री रिडॉक्स रिएक्शन। जैसा कि दोस्तों आप नाम सुने होंगे, अपचयन उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन को दूसरा नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। आज इसको हम लोग परिभाषित करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट से। जी हाँ दोस्तों, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। एक आप बेहद आसान सा सवाल देखे होंगे, यदि समीकरण आपके पास दिया गया है सोडियम और क्लोरीन, तो ये बनाता है सोडियम क्लोराइड। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें से सवाल आप पूछा जाता है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, रिड्यूसिंग एजेंट को हिंदी में कहा जाता है अपचायक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हिंदी में कहा जाता है उपचायक। तो यहाँ पर देखिए समीकरण दिया गया है Na प्लस Cl2 प्रोडक्ट बन रहा है NaCl। इसमें आपसे प्रश्न होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। आज पूरा कंसेप्ट हम रिडॉक्स रिएक्शन का सीखेंगे। आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सवाल लेने से पहले हम जो टर्म है उसको समझ लेते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट है क्या। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ऑक्सीडेशन। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन जैसा कि आप जान रहे होंगे, एटम और आयन लूजेस इलेक्ट्रॉन। जी हाँ दोस्तों, द प्रोसेस इन विच एटम और आयन लूजेस इलेक्ट्रॉन, दैट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का हिंदी होता है, याद रखेंगे, उपचयन। इसमें है क्या कि वैसे परमाणु या आयन जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि आप सोडियम जान रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एटम है, विन्यास करेंगे 2-8 एक होता है इसका, और सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। सोडियम जो यहाँ परमाणु अवस्था में है, एटम अवस्था में है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट कर रहा है। इस क्रिया में देखिए कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, अर्थात सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इसका मतलब यह जो अभिक्रिया है आपका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। यदि कोई आयन लेना है तो चलिए आयन ले लेते हैं MnO4-2। एक या क्या किया कि MnO4-1 में कन्वर्ट हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इसलिए यह हो गया आपका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन याद रखेंगे, द प्रोसेस इन विच एटम और आयन लूजेज इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन बाहर किसी अभिक्रिया में निकलता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को कहा जाता है ऑक्सीडेशन उपचयन। और इसी संबंधित एक टर्म और आता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। जी हाँ दोस्तों, रिड्यूसिंग एजेंट हिंदी में बोला जाता है अपचायक। तो इसमें आप याद रखेंगे कि वैसे परमाणु या आयन जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं किस अभिक्रिया में? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया में। द एटम और आयन लूजेज इलेक्ट्रॉन। अब इस अभिक्रिया में देखिए कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो पहला अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था सोडियम Na, और दूसरा अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था वह हो गया MnO4-2। तो इस प्रकार से सोडियम और MnO4-2 ये जो दोनों हुआ आपका क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो दो चीज आप समझ गए, ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए आइए अब तीसरा टर्म जो लेते हैं वह है रिडक्शन। जी हाँ दोस्तों, रिडक्शन को हिंदी में बोला जाता है अपचयन। इसका चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, परिभाषा क्या हो जाएगा? एटम और आयन गेन इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे का जस्ट क्या है? अपोजिट है। जैसा आप जान रहे होंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होगा तो दूसरा क्या होगा? उसको लेने वाला भी होगा। जी हाँ दोस्तों, एक दान करने वाला तो एक लेने वाला भी होगा,
एक लूज करने वाला होगा तो दूसरा उसको गेन करने वाला भी होगा। तो वह डेफिनेशन हो जाएगा द प्रोसेस इन विच एटम और आयन गेट इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसका जस्ट सपोज कीजिए उल्टा उदाहरण ले लीजिए MnO4 माइनस वन, ये क्या क्या कि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये चेंज हो गया MnO4 माइनस टू में। इस क्रिया में देखिए MnO4 माइनस वन जो है एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगा रिडक्शन। और कोई एटम ले लेंगे जैसा कि आप क्लोरीन जान रहे होंगे कि क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन लेता है और चेंज हो जाता है Cl माइनस वन में, इसमें भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा रिडक्शन। जी हाँ दोस्तों, और जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन गेन होता है अर्थात जो पदार्थ एटम या आयन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में उपचायक। तो यहां देखिए इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहे हैं, MnO4 माइनस वन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा है Cl। तो इस प्रकार से ये दोनों जो हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो आप भाई भाषा याद रखेंगे, एक दूसरे के विपरीत याद रखेंगे, जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां पर आपको रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा और जहां पर रिडक्शन होगा वहां पर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। डिफिनेशन चारों का याद रखेंगे, ऑक्सीडेशन का एटम और आयन लूजेज इलेक्ट्रॉन, फिर रिडक्शन का द एटम और आयन गेन द इलेक्ट्रॉन। जी हाँ दोस्तों, चलिए आइए अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों चलिए आइए अब उदाहरण लेते हैं और इसमें देखते हैं कि अपचयन और उपचयन कैसे निकालते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है 2 sodium + Cl2 - 2 NaCl, इसका मतलब कि सोडियम और क्लोरीन मिलकर बना रहा है सोडियम क्लोराइड। इसमें आपको परिभाषित करना है कि यह अभिक्रिया रिडॉक्स रिएक्शन है, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालने के लिए पूछ सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट से इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मेरा काम होगा सबका आवेश लिख लेंगे। जैसे ध्यान देखिए सोडियम अकेला है, इसका आवेश हो गया आपका 0, क्लोरीन का भी आवेश हो गया 0, और यहाँ क्लोरीन का आवेश -1 और सोडियम का आवेश हो गया +1। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, कभी भी कोई एटम अकेला हो यानी कंपाउंड के रूप में ना हो तो उसका आवेश जो हमेशा जो होगा वो 0 होगा, और जब कंपाउंड की अवस्था में हो जाएगा तो उसका आवेश प्लस होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब इसमें अपचयन और उपचयन देखते हैं। अब चलिए आवेश के आप तुलना करेंगे, यहाँ देख लीजिए क्लोरीन जो है 0 है और यहाँ क्लोरीन -1 है। तो जी हाँ दोस्तों, आवेश जो है इधर लिख लीजिए एक कंपेरिजन यहाँ पर हो गया, और यहाँ देखिए सोडियम 0 और यहाँ +1 है, एक कंपेरिजन यहाँ हो गया। तो 2 सोडियम में 1 प्लस 2 सोडियम है तो 2 प्लस हो गया, इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कौन लूज कर रहा है सोडियम। तो यहाँ लिख लेंगे लूजेज 2 इलेक्ट्रॉन। जी हाँ दोस्तों, अब जहाँ इलेक्ट्रॉन लूज होगा वहाँ आपका होगा ऑक्सीडाइज, इस चीज समझाना है। यहाँ देख लीजिए इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, अब जहाँ गेन होगा वहाँ आपका अपचयन होगा, रिड्यूस अवस्था में होगा। इसको आप दो समीकरण से लिख सकते हैं, पहला लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ से, इसको अलग अलग कर दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो ऑक्सीडेशन में चलिए लिख लीजिए, आपको बताया गया था ऑक्सीडेशन में द प्रोसेस इन विच एटम और आयन लूजेस इलेक्ट्रॉन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ देखिए 2 सोडियम था, यह इलेक्ट्रॉन लूज कर +1 कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर दिया, यानी जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं बाहर निकलते हैं उसको हम लोग बोलते थे ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, अब दूसरा इसमें समीकरण जो है रिडक्शन, तो उसको भी लिख लेंगे हम लोग रिडक्शन हाफ सेल। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है क्लोरीन,
Cl2 चेंज हो गया 2Cl माइनस में, इसमें इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं कि गेन हो रहा है, इसलिए क्रिया हो गया आपका रिडक्शन। अब दोनों समीकरण को क्या करेंगे कि जोड़ देंगे, चलिए बाएं बाएं साइड जोड़ेंगे, दाएं दाएं साइड जोड़ेंगे, जोड़िए 2Na हो गया, ए हो गया आपके पास Cl2, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, बच गया 2Na प्लस 1 प्लस 2Cl माइनस, इसको और आगे बढ़ा देंगे, ये हो गया 2Na प्लस Cl2 और यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों जुड़ के बना दिया आपको 2Na Cl। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है कि यह जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। इसका मतलब है कि वह ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ घटित होती हो तो उसको बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें दूसरा सवाल हमारा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो आपका जैसा बताया गया था परिभाषा में कि द एटम्स और आयन विच लूजेस द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं बाहर निकालते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें देखिए सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इस प्रकार से रिड्यूसिंग एजेंट आपका हो गया सोडियम। और दूसरा जो पूछा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जी हाँ दोस्तों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन था कि द एटम और आयन विच गेन द इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ देखिए क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए क्लोरीन जो हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से यह जो केमिकल जो रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें आप ऑक्सीडेशन सीखें, रिडक्शन सीखें, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आगे आने वाला और आप वीडियो